दोस्तों, क्या आपको अपने स्कूल के दिनों में मिलने वाले पनिशमेंट के बारे में याद है, जब हम कोई शरारत करते थे और मैम आती थी और कहती थी कि अपने हाथ ऊपर करो, और इससे क्या होता था कि हम अपने हाथ जो दोस्तों होल्ड कर सकते थे ऊपर, वो 2 या 4 मिनट मैक्सिमम ही कर सकते थे, राइट। और अगर नॉर्मली भी कोई हमसे ये कहता है कि आपको आपका हाथ रेस करके होल्ड करना है, तो हम जल्दी थक जाएंगे और हम अपना हाथ नीचे कर लेंगे। पर दोस्तों, मैं आपको एक सरप्राइजिंग ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ, ये कहानी सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे और अपने आप को ओ माय गॉड इस कमेंट बॉक्स में लिखने से रोक नहीं पाएंगे। आपका पूरा माइंड ब्लो होने वाला है और हो सकता है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दे। तो कहानी शुरू होती है 1971 में। एक इंसान ने अपना राइट हैंड रेज किया दोस्तों, और आज तक उसको नीचे नहीं किया। क्या? जी हाँ दोस्तों, एकदम ये सही बात है। और इस अनबिलीवेबल काम को करने वाले इंसान का नाम है साधु अमर भारती। उन्होंने लगभग 50 इयर्स हो गए हैं कि अपना हाथ रेज किया हुआ है और आज तक भी एक मोमेंट के लिए भी नीचे नहीं रखा। साधु अमर भारती लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं दोस्तों, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि सारे इस दुनिया में शांति और प्रॉस्पेरिटी फैलती रहे। फाइनली दोस्तों, हैशटैग फैक्ट का ये मानना है कि जिस तरह अमर भारती का डिवोशन रहा है, उसी तरह भी हमारा डिवोशन हमारे काम के प्रति होना चाहिए। जय हिंद।